अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर भक्तांबर की आराधनाएं हमारी चल रही हैं। भक्तांबर की आराधनाओं से हम अपने आराधना के बीजारोपण कर रहे हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी जेल के अंदर रहकर, कारागृह के अंदर रहकर हमें सबको स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमें कैसे इस संसार में स्वतंत्र होना है, कैसे इस संसार के बंधनों से बचना है। आज आचार्य मांगतुंग स्वामी 21वें नंबर के काव्य में हमसे क्या कहना चाहते हैं, 21वें नंबर के काव्य में वो क्या सार देना चाहते हैं, सभी लोग उच्चारण करेंगे मेरे बोलने के उपरांत। मन्नेवरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु एषु हृदयं त्वितोऽस्मीति। किं वीक्षितेन भवता भुवेन नान्या, किं वीक्षितेन भवता भुवेन नान्या, कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन् मनोहर। आचार्य मांगतुंग स्वामी, मनी वरम हरिहराय एव दृष्टा। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, संसार के इस भगवान सब सुंदर है, वो हमारे चित्त को हर लेते हैं। मन्ने मानता हूँ, वरम माने श्रेष्ठ, हरिहराय दैक विष्णु आदि महादेव आदि एव ही दृष्टा, देखते ही दृष्टेशु येसु हृदयम तुई तोस्मेति, देखने से येसु जिन्हें हृदय में मन में आप में तो संतोष तो स्मृति। हे भगवान, मैंने संसार के सारे देवी देवताओं को देख लिया, उनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सजे धजे हैं। भगवान राम को देखता हूँ तीर कमान के साथ, माता सीता के साथ, भ्राता लक्ष्मण के साथ तीनों खड़े हैं। शिव जी को देखता हूँ तो शिव जी भी पार्वती के साथ खड़े हैं, गले में उनके भी सर्प है। विष्णु को देखता हूँ तो वो भी नाग सैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी माँ उनके पैर दबा रही है। संसार में हमने हनुमान को देखा तो वो भी घड़ा लेकर खड़े हुए हैं। जितने भी हमने भगवानों को देखा, शंकर जी तो जब देखो तब वरदान दे दिया करते हैं, ऐसे हैं वो शिव जी। लेकिन भगवान एक बार, किम बीच तेन भवता भुव एन नान्या, हे भगवान एक बार आपको देखने के बाद ये मन मेरा कहीं दिखता टिकता नहीं है। एक बार आपको देखने के बाद हरिहरा अधिक में मेरा मन टिकता नहीं है। कितने बार भी उनको देखने का प्रयास करें लेकिन फिर भी भगवान आपको देखने के बाद मेरा ये मन भटकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरागता में मैंने जीवन बहुत बार जिया, लेकिन एक बार वीतरागता का जीवन आ जाए तो सरागता में मन लगता नहीं है। एक बार भगवान मुझे अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो बुरी वस्तु में मन लगता नहीं है। एक बार हम भगवान आपको देख लें तो संसार में और किसी को देखने का मन होता नहीं है।
मानतुंगा चार कटघरे के अंदर इतना ही कह रहे हैं यहाँ पर, हे भगवान इस पृथ्वी में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन एक बार आपको देखने के बाद मेरा मन कहीं और जाता नहीं है, कहीं और भटकता नहीं है। ख्याल करो, दूध पीने के बाद कोई कहे कि छाछ पी लो, पियोगे? हाँ, दूध पीने के बाद कोई कहे तुमसे कि छाछ पी लो तो तुम्हारा मन नहीं होगा। आम की आम खाने के बाद कोई कहे तुमसे कि थोड़ी प्याज खा लो, खाओगे? आप विचार करके रखना, जिसने दूध पी लिया उसके लिए छाछ पीने में आनंद नहीं आता है, जिसने आम खाया है उसको आम के बाद प्याज नहीं खाता है। जो एवरेस्ट की तो चोटी पे चढ़ गया हो और उससे कहा जाए कि बंगाल की खाड़ी में चले जाओ, वो जाने का प्रयास नहीं करता है। और जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया हो, लवण समुद्र का जल देखता भी नहीं है। और जो साधु संतों की सानिध्य का आनंद ले लेता है, वो घर में परिवार में आनंद ढूंढता नहीं है, वो भागा दौड़ा साधु संतों की सभा में। विचार करना, सुबह 4 बजे से लगे हो, 4 से लेकर 12, 1 बज गया, 2 बजे फिर तैयार हो गए, फिर 3 बजे से पहुंच गए, और सुबह से शाम आप लोगों को लगता हो अच्छे महाराज आए, न चैन से बैठते हैं और न चैन से बैठने देते। आप विचार करके रखना, लेकिन पूरा का पूरा समय धर्म ध्यान में जा रहा है। जिसको अच्छे का आनंद आ जाए वो बुरे की तरफ जाने का प्रयास नहीं करता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, भगवान कितना भी राजा भोज मुझे बंधन में डाल दे, कितना भी कवि कालिदास मेरे ऊपर पहरे बैठाल दे, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल करना, जिसने सम्मित का आनंद ले लिया, जिसमें आत्मा का आनंद ले लिया, उसे बाहर की ना प्रशंसा लुभाती है ना बाहर के कष्ट लुभाते हैं। 6 डाला में पढ़ते हो ना, 6 डाला में आप लोग पढ़ते ही हो, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घा वतारण असी प्रारण में सदा समता धरन। चाहे कोई अर्घ उतारे और चाहे कोई तलवार से पहर करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मेरी अर्चना करे या कोई मेरी आलोचना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मेरी पूजाएं करे या कोई मेरे को गालियां दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भगवान मेरे पास आप 3 लोक के नाथ हो, और 3 लोक का नाथ का आनंद ले लिया तो बाहर की वस्तुओं में कोई आनंद दिखता नहीं है। ख्याल करो, आप लोग जीवन में थोड़े से व्यवहारिक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, उसको अन्यथा नहीं लेना। आप विचार करना, संसार में हम 10 जगह घूमते हैं, 10 जगह जाते हैं, लेकिन मेरा मन अगर किसी एक वस्तु में अटक जाए, मन मेरा किसी एक जगह लग जाए, तो उसके अलावा फिर कोई वस्तु कितनी भी कीमती हो वो हमें पसंद नहीं आती है। आप देखो, किसी की शादी हो, किसी की क्या, आप सबकी शादी हुई है, आप लोगों की भी शादी हुई है। शादी के बाद लड़की अगर अपने माँ के घर पहली बार आए, शादी के बाद लड़की अपने माँ के घर पहली बार आए और उसके पूछा जाए कि तुम्हें किसकी याद आ रही है, उससे पूछा जाए कि तुम्हें किसकी याद आ रही है, ससुर की, क्या बोलेगी? सासू की? आप विचार करके रखना, विवाह करके वो लड़की वापस घर अपने माँ के पास आई है और वहां उदास है। वैसे आजकल की तो होती नहीं, अच्छा लगता है मम्मी घर जल्दी चलो, टेंशन मुक्त, क्योंकि मम्मी के घर तो कोई काम धाम नहीं करना पड़ेगा, ससुराल में करना पड़ सकता है। मम्मी तो कहेगी कि बेटी आई है तो आराम कर लेने दो।
लेकिन अगर पूछा जाए उससे तो किसकी याद आ रही है, सास की, ससुर की, ननंद की, देवर की, देवरानी, किसी की नहीं याद आ रही है। किसकी याद आ रही है बोलो, अम्माओं, अम्मा तो नहीं बोलेगी, बहुएं बोलेगी। आप विचार करके रखना, आप मेरा इशारा समझ रहे हो कि उसे केवल उनकी याद आती है जिनसे उनका मन मिल गया है। तो एक बार जो परमात्मा का आनंद लूट लेता है उससे कहा जाए तुम्हें संसार याद आता है, वो कहेगा नहीं आता है, क्योंकि मुझे तो तीन लोक के नाथ मिल गए। तो जब तुम्हारे अंदर इतना भाव आए, जब तुम्हारे अंदर इतने मन के परिणाम निर्मल बने, तब समझना तुम सच्ची भक्ति कर रहे हो। सामान सी एक लड़की अपने विवाह के बाद घर वापस आती है तो उसे अपने पति की याद आती है, तो तुम तो तीन लोक के नाथ के दर्शन करके जा रहे हो। यहां पर आचार्य मांगतुंग स्वामी उस भक्तांबर काव्य के माध्यम से इतना कहना चाहते हैं, हे भगवान, मैंने सरागता को कई बार जीवन में जिया है, मैं सरागी कई बार देवी देवताओं को पूजा है, लेकिन अब मुझे वीतराग भगवान को पूजना है। हम लोग कितनी जल्दी से अपनी भावनाओं को बदल देते हैं, कितनी जल्दी से हमारे मन में डामाडोल स्थिति हो जाती है। हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, हम गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। इतना पक्का मजबूत सिद्धांत जब तुम्हारे दिल में आएगा ना, रेवती रानी का उदाहरण आपको मालूम है, सम्यक दर्शन में रेवती रानी के पास छुल्लक जी ने परीक्षा के लिए शिव जी का रूप रखा, ब्रह्मा का रूप रखा, महेश का रूप रखा, और तो और शिव का रूप रखा, ब्रह्मा का रूप रखा, विष्णु का रूप रखा। रेवती रानी ने कहा मैं नहीं जाती, मुझे किसी के दर्शन नहीं करना, मैं तो केवल वीतरागता के दर्शन करता हूं। तो शायद उन छुल्लक जी ने कहा कि चलो वीतरागता के दर्शन करते हैं, तो उन्होंने वीतरागता के लिए उन्होंने भगवान का रूप रखा, तीर्थंकर का समोसन लगा दिया। रेवती रानी की श्रद्धा देखो कितनी मजबूत, कितनी पक्की। रेवती रानी ने कह दिया तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये 25वें तीर्थंकर कहां से आ गए, मैं जाने वाली नहीं हूं। नारायण नौ होते हैं, प्रति नारायण नौ होते हैं, बलभद्र नौ होते हैं, ये 10वें कहां से आ गए। तुमको थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है, थोड़ी सी तुम्हारी श्रद्धाएं, थोड़ा सा कोई तुम्हें कुछ लुभा लेता है, कहीं से कोई काम बनते दिखता है, तो तुम अपनी श्रद्धाओं को डामाडोल कर लेते हो। मांगतुंग आचार्य यहां कह रहे, हे भगवान, मैंने संसार में सब जगह घूमाया, संसार में सब जगह देख लिया, बालक का जो रूप होता है निर्विकारी, वही रूप तुम्हारा है। इनको कोई मतलब नहीं है बाहर की दुनिया से, इनको कोई मतलब नहीं है बाहर के संसार से। विचार करके रखना, कभी कोई व्यक्ति दुखियारी आता है ना, तब उसे अमृत बसाने में, अमृत पिलाने में आनंद आता है। आदमी यहां आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं सब देवी देवताओं पर हो आए, आखिरी में आपके पास आए, इसलिए भगवान सब जगह ठोकर खा ली। कभी कभी व्यापारियों के पास कोई ऐसा ग्राहक पहुंचता है जो 10 दुकान पे हो आया, आखिरी में वो तुम्हारे पास पहुंचता है, फिर उसे जो मिलता है वो लेकर जाता है। लेकिन जब आदमी प्यासा नहीं है, उसे पानी पिलाओ तो पानी पी लेता है, लेकिन प्यास पूरी हो गई उसके बाद उसे अमृत भी पिलाओ तो बेकार का होता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान, मैंने परतंत्रता के दुखों को सहन किया है, 84 लाख योनियों में भटका हूं, हर योनियों में मैंने दुखों को उठाया है, अब केवल मैं स्वतंत्र होने के लिए आया हूं, अब मुझे स्वतंत्र होना है, अब मुझे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है, संसार में एक एक जगह जा जा कर रोकर आया हूं।
पारसनाथ को 10 भव लग गए, हमें कितने भव लगेंगे कर्म काटने में? ख्याल करना, हम अपने जीवन में आज मन में संकल्प बनाना, मन में भावना बनाना, हे परमात्मा हमारा ये सर झुकेगा, हमारे अंदर श्रद्धाओं का जन्म होगा, हम तीन लोक के नाथ के प्रति ही समर्पित होंगे। हम कई जगह भटक भटक कर आए हैं, हमने कहाँ कहाँ नहीं गए, संसार के हर स्थान पे गए, हर किसी के हमने पांव पकड़े हैं। विचार करना, जो लोग अपने से बड़ों के पांव पकड़ लेते हैं, ख्याल करना उन्हें किसी के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनका जीवन अपने आप पवित्र पावन हो जाता है। मांतुक स्वामी आज इस काव्य के माध्यम से हमको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान अब मैं संसार में मिथ्यात की यात्राओं से निकलकर सम्मित की यात्रा पे जाना चाहता हूँ, मैंने संसार के सारे दुखों को सहन कर लिया, सारे दुखों को। और आप विचार करके रखना, दुख के बाद जो सुख मिलता है ना, उसका आनंद ही कुछ होता है। हमें कष्ट हो उसके बाद आनंद मिले, अगर आदमी सुखी है उसे कितना भी सुखी करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा दुखी हो फिर उसको थोड़ा सुख का एहसास करे, थोड़ा सा ही सुख मिल जाए उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आप विचार करना, मानतुंगा चार यहाँ इतना ही कहना का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान मैंने नरकों के दुखों को सहन किया, हमने तिर्यंच गति के दुखों को सहन किया, हमने देवगति के दुखों को भी सहन किया, अब मैं मनुष्य पर्याय में आया हूँ और मनुष्य पर्याय में आने के बाद अब पुनः उन दुखों को नहीं उठाना चाहता, पुनः उन दुखों की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, अब मुझे सुख चाहिए और वो सुख तुमसे ही चाहिए। एक आदमी आकर बोला, महाराज बहुत दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। कहा कि दुख है, कष्ट है, संकट है, तो फलाना फलाना उपाय करना पड़ेगा, भगवान का जाप करना पड़ेगा, भक्तांबर का पाठ करना पड़ेगा, भक्तांबर विधान में बैठना पड़ेगा, अखंड दीप जो चल रही है आराधना उसमें करना पड़ेगा। बोला, महाराज इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके भक्ति कर पाऊँ, भक्तांबर में बैठ पाऊँ, कुछ और सरल तरीका बता दो जो हम घर में रह के कर लें, जिससे मेरे दुख दर्द दूर हो जाए। कहा ठीक है, घर में ही 1200 माला फेर लेना। 1200 माला महाराज? क्यों महाराज, कुछ कम नहीं हो सकती? तुमने जो दुख बताए हैं वो इतने सारे इकट्ठे दुख बता दिए, थोड़े दुख तुम्हारे कम नहीं हो सकते क्या? नहीं महाराज, दुख तो पूरे चले जाए, मालाएं कम हो जाए तो बताओ। आप विचार करके रखना, भगवान के साथ ही समझौता करना चाहते हो, अपने दुखों के साथ समझौता नहीं करना चाहते हो, अपने कष्टों के साथ समझौता नहीं करना चाहते हो। जब तक तुम्हारा दुखों के साथ कष्टों के साथ समझौता नहीं होगा, तब तक तुम सुखी होने वाले नहीं हो। दुख कोई अंदर नहीं है, बाहर की वस्तु है। लेकिन मैं अपने इस काव्य को ही पूरा करूँगा, क्योंकि अभी वो चर्चा नहीं करूंगा, अभी आज आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप परमात्मा के पास जब भक्ति करने जाओ तो यही कहना, हे भगवान बस मुझे जन्म जन्म में ये वितरागता के दर्शन होते रहें, हमारे जन्म जन्म में साधु संतों के दर्शन होते रहें। और भगवान से बोलकर आना, हे भगवान जन्म जन्म तक साधु संत हमारे डीमापुर में आते रहें, जो हमें धर्म ध्यान में लगाते रहें, हमारे जीवन का कल्याण करते रहें, ऐसा पुण्य हमें देना, ये डीमापुर डीमापुर ना रहे, ये कहीं बुंदेलखंड बन जाए जहाँ साधु हमेशा रहते हैं, या विदेश क्षेत्र बन जाए जहाँ तीर्थंकरों के समोषण लगते हैं। ऐसी भावना बहाना भगवान के पास जाकर, तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।